एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। आज की कौन सी बड़ी अपडेट है इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे रोजाना यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट देते हैं। ग्राम पंचायतों के आरक्षण का जो नया फार्मूला सरकार ने बनाया है उसके लागू रहने से सूबे की बहुत सारी ग्राम पंचायतें कभी भी आरक्षित नहीं हो सकेंगी। नतीजतन इन ग्राम पंचायतों के पिछड़ों, दलितों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का अवसर नहीं मिल पाएगा। आगे आपको बता दें, पंचायतों के आरक्षण के नए शासनादेश में कहा गया है जब भी नया परिसीमन होगा पंचायतों के पुराने चक्रानुक्रम आरक्षण को बिना संज्ञान में लिए हुए नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। प्रदेश में हर 10 साल में जनगणना होती है, इसके बाद नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन होना चाहिए। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और उसके बाद 2015 में चुनाव पिछले चक्रानुक्रम आरक्षण को शून्य किया गया था। इसी तरह 2021 की जनगणना के बाद 2025 के चुनाव के समय 2015 व 2020 के चक्रानुक्रम आरक्षण को शून्य कर दिया जाएगा। इस फार्मूले से एससी एसटी ओबीसी के जो ग्राम प्रधान पद 2015 में आरक्षित होंगे वे फिर से आरक्षित होने शुरू हो जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों को दो बार या चुनाव में आरक्षित होने का मौका नहीं मिला वे इस समय नियम लागू रहते कभी भी आरक्षित नहीं हो पाएंगी। यही स्थिति वार्डों के आरक्षण में होगी। मान लीजिए किसी विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, वहां इस चुनाव में 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा पड़ के लिए आरक्षित किए जाएंगे। जब 2020 का पंचायत चुनाव आएगा तब इन 27 आगे वाली ग्राम पंचायतों के प्रधान पद आरक्षित होंगे। इस तरह से इन चुनाव में कुल 54 ग्राम पंचायतों ही आरक्षित हो पाएंगी। इसके बाद 2021 में नई जनगणना होगी और 2025 के चुनाव के पहले पंचायतों का पुनर्गठन परिसीमन कराना होगा, तब 2015 व 2020 के चक्रानुक्रम आरक्षण को शून्य कर दिया जाएगा और नए सिरे से पंचायतों का आरक्षण किया जाएगा। इससे 54 ग्राम पंचायतों के बाद 46 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो पाएगा। 2025 में फिर वही ग्राम पंचायतों के आरक्षित होनी शुरू हो जाएंगी जो 2015 में आरक्षित हो रही हैं। यानी इस ब्लॉक की 46% ग्राम पंचायतें कभी भी ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होंगी। इसी तरह एससी वर्ग में अधिकतम 21-21 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद आरक्षित होंगे और 2025 के चुनाव में 2015 वाली 21 ग्राम पंचायतों को फिर से मौका मिल जाएगा। बाकी 58 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद ऐसी और कभी भी आरक्षण के अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति के लिए भी होगी। प्रदेश की 7000 से ज़्यादा नई ग्राम पंचायतों व इनसे ग्राम पंचायतें अलग हुई हैं। इनसे मिलाकर करीब 19000 ग्राम पंचायतों को छोड़ दें तो सूबे की बाकी लगभग सभी ग्राम पंचायतें 1995 के आरक्षण की स्थिति में आ जाएंगी। क्या आरक्षण के इस फार्मूले से सभी ग्राम पंचायतों में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व और अवसर मिल पाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा बढ़ा दी है। ग्राम पंचायत सदस्य अब 10,000 रुपए, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,000 रुपए खर्च कर सकेंगे, जिला पंचायत सदस्य 1,50,000 रुपए, प्रमुख क्षेत्र पंचायत 2,00,000 व अध्यक्ष जिला पंचायत 4,00,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।